हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और फटाफट बन जाती है, तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए एक पत्ता गोभी, इसको अब हम काट के तैयार कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से करते हुए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। आप चाहे तो लंबाई में भी काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे छोटे टुकड़ों में से काट के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा पा टमाटर, आलू, हरी मिर्च। मसालों में हम लेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, और हमें चाहिए गरम मसाला, नमक, और हमें चाहिए लास्ट में गार्निश करने के लिए हरा धनिया। तेल चाहिए हमें सब्जी को बनाने के लिए। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल के गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे हम जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। जीरे के फ्राई हो जाने के बाद में हम इसमें डाल देंगे हमारी कटी हुई हरी मिर्च और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च के फ्राई हो जाने के बाद में इसमें हमारे आलू डाल देंगे। आलू को भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे हमारी कटी हुई पत्ता गोभी। देखिए, इस तरह से सारी पत्ता गोभी को हम इसमें डाल देंगे। पत्ता गोभी को डालने के बाद में हम इसको 1 मिनट के लिए इसमें अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे 1 मिनट हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक को डाल के हम पत्ता गोभी में इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को हम तेल के अंदर डालेंगे जिससे कि हमारी हल्दी अच्छे से पक जाए। उसके बाद में हम डालेंगे धनिया और उसको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें हमारी लाल मिर्च पाउडर। और इसको हम अच्छे से पत्ता गोभी में मिला देंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए सिम आंच पर अच्छे से पकने देंगे। देखिए, इस तरह से हमें आज बिल्कुल सिम पे रखनी है। 10 मिनट हो गए हैं, हम एक बार हमारी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी थोड़ी सी सब्ज़ी बाकी कच्ची है। ये आलू भी, इसको आलू को 1 चम्मच से इस तरह से काट के देख लें, आलू अच्छे से पके नहीं है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 5 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के हम 1 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा कर पकने देंगे। ये देखिए, इस तरह से 1 मिनट हो गया है। टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, सब्ज़ी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब इस स्थिति में हम डाल देंगे इसमें हमारा गरम मसाला। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और उसको अच्छे से सब्ज़ी में मिला लेंगे। यह हमारी पत्ता गोभी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए, सर्व करने से पहले हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और उस पर हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। ये फटाफट ही बन जाती है सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अगर ऐसी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और आप कौन कौन सी राजस्थानी डिशेज़ देखना पसंद करेंगे।